जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं कार फॉर सेल में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भाई हम लोगों ने 5 ऑडी और एक फरारी, एक सुप्रा और भाई एक स्कॉडा, हम लोगों ने इतनी सारी गाड़ियां खरीद के सारी की सारी गाड़ियों को का मतलब सेल पे डाल दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त रेट लगाए हैं और बाकी अब कस्टमर्स का इंतज़ार है। तो भाई आज की वीडियो में हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वो है सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों को बेचना। तो भाई आज की पूरी वीडियो में हम लोगों को सिर्फ गाड़ियां ही बेचनी है और देखते हैं भाई आज हम लोग कितनी गाड़ियां बेच पाते हैं। नहीं यार, मार्केट प्लेस खुला हुआ है और एक गाड़ी की कमी लग रही है, तो यार एक गाड़ी तो चाहिए ही होगी, तो चलते हैं यार। नहीं यार, आज तो ऑफिस नहीं खोलेंगे, संडे भी है, तो आज चलते हैं यार पहले मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस में चल के देखते हैं भाई और कौन कौन सी गाड़ियां आई हुई हैं। और ये भाई साहब यहाँ बैठे रहते हैं और इनको पैसे भी हम लोग नहीं दे पाते, समझ में नहीं आता कैसे देना है। और यार ये देखो भाई कितनी एक्सपेंसिव लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, और भाई ये देखो सुप्रा बेच रहे हैं, देखते भाई ये 69,000 की बेच रहे हैं, 55 में दे देंगे अगर तो भाई ले लेंगे, नहीं दे रहे हैं यार 58 में डाल के देते हैं। तो भाई हम लोगों ने एक और सुप्रा खरीद ली, मतलब एक फरारी दो सुप्रा यार अलग ही लेवल का है। और यार आज यार मन कर रहा है कि एक पर्सनल कार भी लेनी ही चाहिए। यार इसमें से कौन सी गाड़ी बढ़िया है देख लेते हैं। ये वाली गाड़ी हम सोच रहे हैं कि अपने लिए पर्सनल ही रख लें, देखते हैं भाई अगर इन्होंने सस्ते में दे दिया तो भाई इसी को हम लोग पर्सनल कार बना लेंगे। तो यार ये 18,000 में भी नहीं मान रहे हैं, मान गए कि नहीं मान गए? नहीं यार ये तो नहीं मान रहे हैं, इनको 19 नहीं यार, हाँ 19 में ये मान गए हैं। भाई हम लोगों ने अभी तक दो गाड़ियाँ खरीद ली है, एक सुप्रा खरीद ली है और एक और भाई ये का नाम हम लोग भूल गए, भाई इसको भी हम लोगों ने खरीद लिया है। और ये फोर्ड की क्लासिक है, सॉरी यार ये डॉज चार्जर बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, इसमें 22% का डैमेज है, देखते हैं भाई ये सस्ते में दे दें तो भाई मज़ा ही आ जाने वाली है आज, ये 18,000 में अगर दे देते हैं तो मज़ा ही आ जाएगी। नहीं यार ये 19,000, हो सकता है ये 20 में मान जाए, देखते हैं, अगर ये 20 में मान गया तो भाई मज़ा आ जाएगी आज। भाई मिल गई। तो हम लोगों ने भाई तीन गाड़ियाँ यहाँ से भी खरीद ली हैं और अब बारी है भाई इन सबको लेकर के चलते हैं जल्दी से, देखते हैं भाई सब में क्या क्या डैमेज है, इन सबको रिपेयर करते हैं। सुप्रा में तो फिलहाल कोई डैमेज नहीं था तो उसको हम लोग डायरेक्टली सेल पे डालने वाले हैं। और हमारे पास पहले 8 गाड़ियाँ थी, फिर हम लोगों ने ये 3 गाड़ियाँ और खरीदी, टोटल 11 गाड़ियाँ हम लोगों ने खरीदी और फिर भी हमारे पास भाई 24 लाख रुपये रह गए। आप सोच पा रहे होंगे हम लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी इतने दिनों में कि हम लोगों ने इतना सारा पैसा बना लिया कि इतनी गाड़ियाँ खरीदने के बाद भी हमारे पास इतना पैसा रह गया है। तो भाई ये वाली देखिए गाड़ी जो है ये रिपेयर हो चुकी है, अब जल्दी से लेकर के चलते हैं इसको। और इसमें जो भी चीज़ें हैं इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि भाई इसका जो सस्पेंशन है वो इतना ज़्यादा हाई है कि भाई गाड़ी जो है वो टर्न होने पर मतलब एक तरह से उठी जा रही है, तो यार ये चीज़ बहुत बेकार है। तो इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाते हैं और इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत नीचे करवाना पड़ेगा क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गाड़ी तो नहीं चला पाएंगे। और यार ये देखो हम लोगों ने इसको बिल्कुल नीचे करवा दिया, अब इसमें जल्दी से चल के कलर भी चढ़वा देते हैं, देखते हैं भाई कौन सा कलर अच्छा लगने वाला है इस पर। तो यार थोड़ा तो ठीक हो गई मगर फिर भी ये थोड़ा डिसबैलेंस है और इसमें जो पिकअप है वो बहुत कम है तो उतना ज़्यादा अच्छा पिकअप नहीं लग रहा है। तो भाई साहब से देखिए यही वाला कलर लगवा लेते हैं, ये थोड़ा सा मेटल वेटल, हाँ ये सही लग रहा है यार, ये देखो इतने सारे कलर सब आ गए, कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो देखते हैं भाई कौन सा कलर इस पर अच्छा लगेगा, ये यार ये अच्छा लग रहा है, ये 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 कलर तो सारे अच्छे लग रहे हैं मगर यार एक मन को भाने वाला कलर नहीं मिल रहा है, ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, चलो यार ब्लैक ही करवा लो, सारी गाड़ियाँ ब्लैक हैं तो इसको भी ब्लैक ही करवा लो। और इसको भी ले चल के जल्दी से पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। और भाई ऑफिस बंद है, अभी कोई कस्टमर भी नहीं इसीलिए आया क्योंकि ऑफिस तो बंद ही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यार, इसको पर्सनल कार बनाने का मन है, इसको यहीं पे खड़ी कर लेते हैं और जल्दी से भाई डॉज भी खड़ी करनी है, उसको भी रिपेयर कराना है, जल्दी से चलते हैं डॉज के पास। और ये भी रिपेयर हो चुकी है तो भाई इसको भी हम लोग जल्दी से चलते हैं, इसमें भी देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होनी है, वो सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल करवा लेते हैं। और फिर इसके बाद इसका भी हम लोग कलर ब्लैक करवाएंगे, भाई ये बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है, हालांकि वाइट कलर में तो अच्छी लग रही है मगर ब्लैक कलर में बिल्कुल समझ लो बवाल लगने वाली है भाई गाड़ी।
और यार लग तो बहुत ही भाई, कितनी सारी चीज़ें जो इंस्टॉल करवा ली हम लोगों ने, रेसिंग किट विट सब इंस्टॉल करवा ली है। और अब इसका कलर जल्दी से चेंज करवाते हैं और इसको भी हम लोग सेल पे डाल देंगे। मगर यार मन तो नहीं है सेल पे डालने का, देखते हैं भाई कलर चेंज करके क्या लगने वाला है भाई इसमें। और भाई ब्लैक इतनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है भाई गाड़ी, मतलब अलग ही लेवल की लग रही है भाई, डॉज लग रही है भाई। ये देखिए कितनी ज़्यादा खतरनाक। यार मन कर रहा है कि इसी को यार अपनी पर्सनल कार बना लें, क्योंकि यार अब तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाता है हम लोगों को, तो यार इसी को हम लोग सोच रहे हैं कि पर्सनल कार बना लेते हैं यार, यही सही रहेगी यार। उसको हम लोग डाल देते हैं भाई सेल पे और इसी को भाई पर्सनल कार बना लेते हैं। देखो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है भाई। एक काम करते हैं, जल्दी से सुपरा को पहले पार करते हैं, फिर उसके बाद डॉज ही बनेगी भाई पर्सनल कार, क्योंकि भाई इतना पैसा आ गया तो भाई थोड़ा तो अच्छी कार रखनी पड़ेगी। तो भाई कस्टमर्स भी आएंगे और जो लोग आएंगे तो उनको भी तो देखना लगना चाहिए कि ना कि भाई हाँ यार कुछ, अगर शोरूम का जो भी ओनर है उसके पास कुछ तो है, मतलब हाँ यार उसका एक स्टेटस है। तो हम लोग ये वाली गाड़ी जो है इसको सेल पे डाल देते हैं और डॉज को अपनी भाई पर्सनल कार हम लोगों ने बना ली है और जल्दी से हम लोग इसको पार कर देते हैं। तो भाई इसमें प्रॉब्लम थी यार, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन था वो इतना ज़्यादा मतलब बबल कर रहा था कि गाड़ी अगर झटके में अगर टर्न कर लो या कुछ कर लो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। भाई हम लोगों ने देखिए ये सारी की सारी, मतलब इधर भी पांच और इधर भी पांच, मतलब 10 गाड़ियां हो गई, सोचो कितनी ज़्यादा गाड़ियां। और जल्दी से इन सारी गाड़ियों जो बची हुई गाड़ियां इनको भी हम लोग आज सेल पे डाल देते हैं। और इन सारी गाड़ियों को सेल में डालने के बाद अब ये भाई 10 गाड़ियां जब बिकेंगी तो आप 24 लाख है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितने में कितना पैसा मिलने वाला है भाई। 40-45 लाख के आसपास तो मिल ही जाएगा। तो भाई हम लोगों ने सारी की सारी गाड़ियां जो है इनको हम लोगों ने सेल पे डाल दी है और फाइनली हम लोगों ने बना ली अपनी पर्सनल कार डॉज को। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और भाई आज बहुत ज़्यादा काम हो गया, संडे भी था फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो यार आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।